कुएं में मिली एक लाश, वो भी किसी महिला की लाश। पूरे इलाके में सनसनी फैला देने वाली इस मौत के पीछे का क्या राज है? क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाई? ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर की थोड़ी टहरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला की लाश कुएं में तैरती मिली। आसपास के लोगों ने कुएं में लाश देखने के बाद पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग का प्रकरण दर्ज करते हुए केस की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मृत महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी। टूरी हटरी जो है जैतू मठ के पास एक कुआं है जिसमें पुरानी बस्ती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पे एक 35-36 साल की महिला का बॉडी मिला है और बॉडी सफेद हो चुका है और सूजन आ चुकी है, और इस पे अभी फिलहाल जब तक बॉडी ना निकाला जाए तब तक पहचान नहीं हो पाया है। बॉडी को बहुत जल्दी गोताखोर और ग्रिल को काट के निकाला जाएगा और पहचान कार्रवाई की जाएगी। अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि लाश के चेहरे पर जो निशान मिले हैं उससे ये केस हत्या का लग रहा है, जिससे ये आशंका और गहरा गई है किसी ने हत्या करके लाश कुएं में फेंकी होगी। हालांकि कुएं में लोहे की जाली लगी हुई है, जिससे अगर महिला खुदकुशी के इरादे से कुएं में कूदी होगी तो उस स्थिति में भी उसके चेहरे पर चोट लगने की आशंका बनी है। बहरहाल पुरानी बस्ती पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ में अगर बॉडी में किसी प्रकार का कोई मार्क्स होगा या जांच की जाएगी कि ये वास्तविक या सुसाइड है या तो उसके साथ कोई किसी प्रकार गलत कार्रवाई की गई है। आसपास के लोगों से अभी फिलहाल जो भी देख रहे हैं मतलब बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है, जैसे ही पहचान होती है और कारण स्पष्ट हो पाएगा। मृतक महिला की शिनाख्त के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो महिला को पहले से जानता हो। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही मृतका की शिनाख्त कर ली जाएगी, उसके बाद मौत की वजह भी सामने आ जाएगी। हवालात के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।